सरगना अपराधी जितेंद्र सिंह उर्फ हक्के मुन्ना गिरफ्तार। देवेंद्र नगर में बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। शर्वानी बने वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष। कलेक्टर ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर किया शुभारंभ। मुख्य खबरों के बाद खबरें अब विस्तार से। मुख्य खबर के प्रायोजक हैं यूरोप के इंटरनेशनल ग्री स्कूल बड़ा बाजार पर। देवीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात सरगना अपराधी जितेंद्र सिंह और हक्के मुन्ना को किए गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक पन्ना मायक अवस्थी द्वारा लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपराधियों व अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक BKS परिहार के निर्देशन में देवीनगर थाना पुलिस को निर्देशित किया। इसी तारतम्य में SDOP पन्ना RS रावत के निर्देशन में थाना प्रभारी सुनील शर्मा को 6 अप्रैल को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम बड़ा गांव में मरहा मंदिर के पास थाने का कुख्यात निगरानी बदमाश जितेंद्र सिंह और हक्के मुन्ना पिता फतेह सिंह मुंडेला निवासी बड़े गांव का अवैध शराब ले जाने की फिराक में। थाना प्रभारी सुनील शर्मा द्वारा हमराही स्टाफ को प्राप्त सूचना से अवगत कराकर लेट कार्रवाई की गई तो आरोपी जितेंद्र हक्के मुन्ना के कब्जे से एक नीले रंग की बड़ी कैन में जिसमें 52 लीटर महुआ की अवैध शराब रखे पाया गया, जिसकी तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक 315 रुपए का कट्टा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना पर अपराध क्रमांक 107/19 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम एवं अपराध क्रमांक 108/19 धारा 25/27 आमर्स एक्ट पंजीबद्ध किया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि आरोपी थाना देवेंद्र नगर का गुंडा बदमाश व निगरानी बदमाशी है, जिसके विरुद्ध थाना पर एवं जिले के अन्य थानों में 31 अपराध, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार, अवैध उघानी एवं मारपीट के पंजीबद्ध है। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी देवेंद्र नगर सुनील शर्मा, सहायक उप निरीक्षक राकेश सिंह, ML कोल, प्रधान आरक्षक नाथू राम पांडे, कमलेश सिंह, आरक्षक राजेश सिंह, धीरेंद्र सिंह, सत्यवीर सिंह, सोनू खटे, राजू साहू, भूपेंद्र त्रिपाठी, महेश कुमार एवं चालक पहलवान विश्वकर्मा की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम के उत्साह वर्धन हेतु पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। देवीनगर में बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। पल्स पोलियो अभियान के तहत अंतर्गत आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवीनगर में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को जीवन रक्षक पोलियो की दवा पिलाई गई। शासन की उच्च प्राथमिकता है कि संपूर्ण भारत में पोलियो से ग्रसित कोई भी बच्चा न रहे, इसी लक्ष्य के गत कार्यक्रम की मुहिम पूरे देश में चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवीनगर में SDM श्री VV पांडे के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दो गुण जिंदगी के अभियान को सफल बनाने के लिए संपूर्ण देवीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिक्षेत्र में पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस पोलियो अभियान में कुल 241 पोलियो बूथों की स्थापना की गई है, जिसमें 27 सुपर बाजार और 479 कर्मचारी तत्परता के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभियान की सफलता हेतु 0 से 5 वर्ष के 34,122 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। संस्था के प्रभारी डॉक्टर अभिषेक जैन ने बताया कि पोलियो की 2 बूंद की दवा पिलाकर बच्चों को अपंगता की बीमारी से बचाया जा सकता है। उन्होंने सभी से अपील की है कि सभी 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। कार्यक्रम में उपस्थित हुए SDM ने संस्था की कार्यशैली और गतिविधियों का जायजा भी लिया तथा उन्होंने वैक्सीन का रखरखाव एवं भंडारण किस प्रकार होता है इस विषय में भी जानकारी ली तथा अस्पताल के दोनों भवनों का निरीक्षण भी किया। SDM महोदय ने अभिषेक जैन MBMO को उनके द्वारा किए गए समाज और लोक कल्याण के कार्यों के लिए धन्यवाद भी दिया। पल्स पोलियो अभियान के शुभारंभ के अवसर पर श्रीमती मनोरमा सेन, स्टाफ नर्स देशराज शर्मा प्रसाद जी, कौशल्य प्रसाद बागरी, राजेश जैन, कमलेश प्रजापति,
प्रदीप जैन सहित समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मनोज के सरवानी वाले वैश्य महासम्मेलन के जिला गत अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन स्थानीय सेंट्रल गार्डन में आयोजित किया। इसमें जिले भर से पूर्व पदाधिकारी सदस्य शामिल हुए। इसी दौरान पन्ना जिला वैश्य महासम्मेलन इकाई पन्ना के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता केसरवानी का स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला प्रभारी कैलाश गुप्ता और महिला अध्यक्ष रेणु अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन नवीन साहू के द्वारा किया गया और आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर किया शुभारंभ। कलेक्टर मनोज खत्री द्वारा जिला चिकित्सालय पन्ना में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर एल के तिवारी, सिविल सर्जन डॉक्टर बी एस उपाध्याय, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, डॉक्टर एम सिसोदिया, अर्बन प्रभारी हरिशंकर त्रिपाठी, अस्पताल प्रशासक श्रीमती किरण घर, डीवीएस प्रभारी मनीष विश्वकर्मा, आरआई डाटा मैनेजर ने बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 1353 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें 3048 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, जिनके कार्य का सुपरविजन 270 सुपरवाइजरों द्वारा कराया जाएगा। जीरो किड इंटरनेशनल प्ले स्कूल का हुआ शुभारंभ। शहर के बड़ा बाजार में नवीन प्ले स्कूल का भव्य शुभारंभ किया गया। इस दौरान जीरो किड इंटरनेशनल प्ले स्कूल के प्रबंधकों द्वारा स्कूल की बृहद गतिविधियों को बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए की गई व्यवस्था का विस्तार से जानकारी दी। शहर में पहले से कई प्ले स्कूल है, लेकिन अपने अनूठे पाठ्यक्रम और सुविधाओं के लिए जीरो किड को अलग स्थान दिया जा रहा है। पर्याप्त होता है। 1.5 साल से लेकर 5.5 साल तक के बच्चों की एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं।
चार क्लास इसमें प्रोग्राम रन करते हैं, प्ले ग्रुप, नर्सरी, यूरो जूनियर और यूरो सीनियर। सो मैं यही सर को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा, मिस्टर तोष कुमारी और मैम तोषी कुमारी को, कि उन्होंने इस सेंटर को स्टार्ट किया और पन्ना में एक अपॉर्चुनिटी दी